नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए ये त्यौहार हर साल शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत भी रखते हैं, भगवान भोलेनाथ की बारात निकालते हैं और विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर जितने भी शिवलिंग हैं सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस बार महाशिवरात्रि का सही तिथि क्या है, चारों प्रहर के पूजन का मुहूर्त क्या होगा, पारण कब करना है, इसके साथ ही हम भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को संध्या काल में 9:57 पर होगी। इसकी समाप्ति अगले दिन 9 मार्च को शाम को 6:17 पर होगा। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में होती है, इसलिए उदया तिथि देखना यहाँ जरूरी नहीं है, इसलिए इस बार महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च को ही रखा जाएगा। दोस्तों, इस बार 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा का समय शाम के समय 6:25 से 9:28 तक है। इसके अलावा चारों प्रहर का जो मुहूर्त है, चलिए वो भी देखते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि को प्रथम प्रहर की पूजा का समय शाम को 6:25 से रात को 9:28 तक होगा। वहीं रात्रि द्वितीय प्रहर की पूजा का मुहूर्त रात को 9:28 से रात 12:31 तक रहेगा। रात्रि तृतीय प्रहर की पूजा का समय रात को 12:31 से प्रातःकाल 3:34 तक रहेगा, तो वहीं रात्रि चतुर्थ प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 3:34 से प्रातःकाल 6:37 तक होगा। इसके साथ ही निशीथ काल का मुहूर्त रात में 12:07 से 12:55 तक होगा। 9 मार्च को व्रत का पारण किया जाएगा सुबह 6:37 से दोपहर 3:28 के बीच में। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन पूजन कैसे करना है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव शंकर के आगे व्रत का संकल्प करें। संकल्प के बाद उपवास का जो समय है उसको पूरा करने के लिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लें। इसके बाद आप व्रत किस तरह से रखेंगे, पानी पीकर रखेंगे या फलाहार रखेंगे या निर्जला रखेंगे, इसका संकल्प आप करें। इसके बाद जो शुभ मुहूर्त बताया गया है उस शुभ मुहूर्त में पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान कराएं, साथ ही केसर चढ़ाएं और जल चढ़ाएं और पूरी रात्रि का दीपक जलाएं। इसके बाद चंदन का तिलक लगाएं। भगवान भोलेनाथ को रोली कुमकुम नहीं चढ़ता है, फूल माला से उनका श्रृंगार करें। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन, भस्म आदि आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप बेलपत्र, भांग, धतूरा भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है, ये जरूर चढ़ाएं। 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमलगट्टा, इसके बाद फल, मिष्ठान जो भी आपके पास है उसको आप चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को जनेऊ चढ़ाएं, भगवान से अपनी मनोकामनाओं को कहें, त्र चढ़ाएं और भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद वस्त्र पहनाएं, आरती उतारें और अंत में भगवान को भोग लगाकर आरती करके और दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को बेर जरूर चढ़ाया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, महाशिवरात्रि में बेर का फल जरूर चढ़ाते हैं। साथ ही माता पार्वती की भी पूजा करें और पूरी श्रद्धा से मन को शांत करके बिना क्रोध किए इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ की आरती उतारें, भगवान भोलेनाथ का नाम लें, ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो
तो आप भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस प्रकार से उच्चारण करके भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें। अपने मन की जो कामनाएं हैं वो कहें। भगवान भोलेनाथ की पूजा शिवरात्रि में रात्रि को ही किया जाता है और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी ये सारी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।